itu yang akan digali. हैं इतने सामान्य हैं कि स्वर्ग का
नवीन रोशनी है। अपने देश में वीरांगना जैसे रानी लक्ष्मीबाई थी, रानी चेन्नम्मा थी, ये लोग देश को आजाद करने में बहुत ही ज्यादा इनका सहयोग था, है ना। और आज भी सहयोग दे रही है उन्हीं वीर पुरुषों की माताओं के ना। आंखों की रोशनी के नवीन उजियाले हैं, गंगा यमुना हिंद महासागर के हम रखवाले हैं। हम कैसे हैं? हम गंगा यमुना और हिंद महासागर के भी रखवाले कर सकते हैं, अर्थात अपने देश के कोने कोने की रक्षा कर सकते हैं। हम हैं शिवा प्रताप। हम क्या हैं? हम छत्रपति शिवाजी और महाराणा प्रताप के वीरों वीर पुरुषों जैसे वंशज हैं, जिस प्रकार से उन्होंने अपने देश की रक्षा करने के लिए, अपनी मातृभूमि को बचाने के लिए अपना बलिदान दे दिया, उसी प्रकार से हम भी अपनी मातृभूमि को बचाने के लिए सुख की अभिलाषा ना करके हर तरह से अपने देश की रक्षा करेंगे, मगर किसी दुश्मनी के आगे मस्तक नहीं झुकाएंगे। भले ही हम सारे सुखों से वंचित हो जाए, भले ही हम घास की रोटी मतलब भूखा सूखा ही खाए, परंतु किसी दुश्मनी के आगे मतलब किसी भी अत्याचारियों के सामने हम अपने मस्तक को नहीं झुका सकते। बच्चों, इस कविता को मैंने कल भी समझाया था, आज पुनः रिपीट करवा दिया मैंने, ठीक है। कॉपी बनाने से पहले बेटा पहला पेज जो है पेज नंबर वन, आप उसमें जो है विवरणिका लिखेंगे, विवरणिका। विवरणिका का मतलब होता है अपना पूरा परिचय पहले पेज में लिखना है, ठीक है। हिंदी फर्स्ट की कॉपी में फर्स्ट पेज पर ये हेडिंग विवरणिका हेडिंग डालकर उसमें साइड में पेज बना देना, फिर नाम, अपना रोल नंबर, ठीक, और क्लास यानी कक्षा, ठीक, विषय किस विषय की कॉपी है आपकी, ठीक है। मतलब मम्मी पापा का मतलब जो
sabu. This is पढ़ाई है ना कि हम है शांति भूत धरणी के
को देते हैं हम क्या हैं हम सात दूत हैं और हम का मतलब क्या नौ युवा हम का मतलब आजकल के नौ युवा आपके मन में किस प्रकार के भाव थे ठीक है ऐसा लिखे
प्रति प्रेम जागृत करने के अपने स्वाभिमान की रक्षा करने के अपने स्वाभिमान की रक्षा करने के साथ रक्षा करने के बाद उठे, ठीक है? अब आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है? अब कंप्लीट क्लास हम कल लिखा देंगे, आप वर्क कंप्लीट करते रहिए, ठीक है? एक्सरसाइज आपके बुक में दिए गए हैं, इसमें एक्सरसाइज नंबर 1 ठीक है, वही बस।